अमीषा पटेल से पहले ये एक ट्रेस बनने वाली थी बिग बॉस 13 की मालकिन, इस वजह से नहीं बन पाई बात। बिग बॉस के 13वें सीजन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। रविवार को शानदार ओपनिंग के बाद बिग बॉस हाउस में 13 कंटेस्टेंट ने एंट्री की। इस बार की खास बात ये है कि पुरुष के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है। वहीं एक और बदलाव करते हुए बिग बॉस के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल को घर की मालकिन बनाया गया है, जो समय समय पर आकर घर वालों से टास्क करवाएंगी। पहले ये मालकिन का किरदार अमीषा पटेल नहीं बल्कि कोई दूसरी अभिनेत्री निभाने वाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीषा पटेल बिग बॉस 13 की मालकिन के लिए पहली चॉइस नहीं थी। अमीषा पटेल से पहले ये ऑफर बॉलीवुड एक्ट्रेस मलिका शेरावत को मिला था। दरअसल मेकर्स चाहते थे कि इस बार घर में कोई ऐसी एक ट्रेस एंट्री करे कंटेस्टेंट्स के साथ रहे, इसके साथ ही वो शो में मसाला भी दे सके। इसके लिए मलिका शेरावत का नाम सबसे पहले आया था, लेकिन जब उन्हें ये रोल ऑफर किया गया तो उन्होंने इसके लिए मोटी रकम मांगी। कई मीटिंग्स के बाद भी बात नहीं बन पाई तो इसके बाद इस रोल के लिए अमीषा पटेल को साइन किया गया। फिलहाल अमीषा पटेल बिग बॉस के घर में एंट्री कर चुकी हैं। हाल ही के एपिसोड में दिखाया गया था कि घर में घुसने से पहले सलमान के सामने ही भिड़ने वाले दो कंटेस्टेंट अंदर जाते ही जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर भिड़ गए। इसे लेकर बिग बॉस के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर प्रोमो जारी हुआ है। प्रोमो वीडियो में पारस छाबड़ा और असीम रियाज लड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं एक अन्य प्रोमो में घर की मालकिन अमीषा पटेल घर के अंदर सभी कंटेस्टेंट से कह रही हैं कि अगर राशन चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा। उन्होंने सदस्यों को एक टास्क दिया जिसमें किसी एक को राशन में से किसी एक चीज को मुंह में रखकर एक दूसरे को पास करना था।